हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्स क्लासिक के बिजनेस प्लान की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फोर्स क्लासिक का पहला प्रोजेक्ट है मार्केटिंग क्लासिक। मार्केटिंग क्लासिक को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको दो तरह के स्लॉट्स मिलेंगे। एक होगा S3 का, जो कि 100% वर्किंग स्लॉट है, और साथ ही साथ दूसरा होगा S6 का, जहाँ पर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम मिलने वाली है। S3 स्लॉट 3 जॉइनिंग से कंप्लीट होकर फिर से रिसाइकल होता है, और S6 स्लॉट 6 जॉइनिंग से कंप्लीट होकर रिसाइकल होता है। तो आगे भी ये दोनों स्लॉट्स आपके साथ चलने वाले हैं। अब जब आप आगे बढ़े हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 12 स्लॉट्स हैं। इसमें से 8 स्लॉट S6 के होंगे और 4 स्लॉट S3 के होंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ स्लॉट्स यहाँ पर 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं और कुछ स्लॉट्स 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं। जो स्लॉट 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं उसे कहते हैं S6, और जो स्लॉट 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं उन्हें कहते हैं S3। हर दो स्लॉट S6 के होंगे और तीसरा स्लॉट आपको S3 का देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट S6 की है तो तीसरी स्लॉट S3 की है, वैसे ही लेवल 4 और 5 स्लॉट S6 के हैं और स्लॉट 6 S3 से है। इस तरीके से यहाँ कंप्लीट 12 स्लॉट काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसे बिगनर्स, जिन्होंने यहाँ पर अभी तक काम नहीं किया है, वो अच्छा प्रॉफिट कमाकर अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने वॉलेट को रेडी करने के लिए आपको POS डाई स्टेबल कॉइन लेना पड़ता है। अब आपको समझना है कि S6 और S3 मैट्रिक्स किस तरह से काम करते हैं। S6 आपके डाउन में 2x2 मैट्रिक्स से काम करता है, जिसमें ये 6 लोगों की जॉइनिंग से यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होता है। पर ये लोग आएंगे कहाँ से? ये आएंगे आपके वर्किंग से, आपके डाउन लाइन की वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से और आपके क्रॉस लाइन की वर्किंग से। यानी कि हर S6 में आपको स्पिल ओवर से लोग मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगी नॉन वर्किंग इनकम पर। ये डिपेंड करता है कि आप किस अपलाइन के साथ में जुड़ते हो। और अब बात करते हैं S3 स्लॉट के। S3 आपको डायरेक्ट रेफरल से ही साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर S6 में पहले दो लोगों का 100% इनकम आपके अपलाइन में किसी को भी मिल जाता है, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ व्यक्ति का अमाउंट हमेशा आपको मिलता है, और सिक्स्थ जॉइनिंग के आने के बाद ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है और ये 6 जॉइनिंग का अमाउंट आपके अपलाइंस को जाता है। वहीं S3 में पहले दो व्यक्ति का अमाउंट आपको मिलेगा और तीसरे व्यक्ति का अमाउंट रिसाइकल होके आपके इमीडिएट अपलाइन को जाता है। ऐसे ही S6 और S3 का टोटल अमाउंट तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है S6 और S3 का मैट्रिक के टोटल मैकेनिज्म फोर्स क्लासिक प्लान में। आप देख सकते हैं कि 8 स्लॉट S6 के हैं और 4 स्लॉट S3 के हैं। ये 12 स्लॉट का प्राइस किस तरह का है? आपको पहला लेवल $5 पर मिलता है, जो कि 50% डिस्काउंट पर मिलता है। दोस्तों, अभी हर स्लॉट 50% फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है, और कुछ दिन बाद हर स्लॉट के रेट डबल हो जाएगी। वहीं पहले स्लॉट का अमाउंट हो जाएगा $10। आप हमारे प्लान में देख सकते हैं कि प्री स्टार्ट प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से 50% कम है। अब आप चाहें तो इस प्लान को आप एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ $5 में, या फिर आप चाहें तो एक से ज्यादा स्लॉट एक साथ बाय करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग 3 स्लॉट से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ लोग 5 स्लॉट से, तो कुछ लोग 6 स्लॉट से स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोग 12 स्लॉट एक साथ बाय करके भी स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप 3 स्लॉट बाय करके स्टार्ट करते हैं तो आपको एक साइकिल से कितना प्रॉफिट आएगा? 3 स्लॉट खरीदने के लिए आपको लगभग पे करना है ₹3,000 के आसपास। यहाँ पर आपको 2 S6 और 1 S3 का स्लॉट मिलेगा। S6 का $5 और $10 और S3 का $20 का स्लॉट आपको मिलेगा। आपके डाउन में 6 लोगों से S6 का एक साइकिल एक बार में कंप्लीट होगा, और S3 में 3 लोगों वाला स्लॉट 2 बार में कंप्लीट होता है। और जब आपकी रेफरल से 3 स्लॉट वाले पहले 6 व्यक्ति आएंगे, उनसे मिलने वाला पहले 2 जॉइनिंग का पेमेंट आपको अप्लायंस को जाएगा,
और अब 3 स्लॉट का 100% $20 आपको मिल जाएगा और फिर दूसरे व्यक्ति का भी सेकेंड ज्वाइनिंग का 100% स्लॉट 1 और स्लॉट 2 से अप्लायंस को जाएगा, आपके अप्लायंस को जाएगा और स्लॉट 3 का 100% आपको मिलेगा, तीसरे व्यक्ति का लेवल 1 और लेवल 2 का 100% पेमेंट आपको मिलेगा और स्लॉट 3 का अमाउंट रिसाइकल होकर आपके अप्लायंस को चला जाएगा और फिर चौथी और पांचवी व्यक्ति का तीनों स्लॉट का 100% आपको मिलेगा और सिक्स्थ व्यक्ति का अमाउंट रिसाइकल होकर आपके अप्लायंस को चला जाएगा। तो S6 का 3 पेमेंट आपके अप्लायंस को चले जाएंगे और 3 पेमेंट आपको मिलेंगे। वैसे ही S3 में 1 पेमेंट आपके अप्लायंस को चला जाएगा और 2 पेमेंट आपको मिलेंगे। तो ये टोटल साइकिल कंप्लीट होने पर स्लॉट 1 से आपको मिलते हैं $15, स्लॉट 2 से $30 और स्लॉट 3 जबकि 2 बार साइकिल चल चुकी है उससे आपको मिलेंगे $80। टोटल आपको $125 मिलेंगे। अगर आप 4 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके डाउन में 4 स्लॉट वाले 6 लोग आते हैं तो साइकिल कंप्लीट होने पर आपको मिलेंगे टोटल $245। और अगर आप 5 लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हो तब 1 साइकिल कंप्लीट होने पर आपको मिलेंगे टोटल $485। 6 लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेंगे $1125। तो जितना बड़ा स्लॉट का साइकिल होगा आपका कंप्लीट होगा उतना ही बड़ा आपका पेमेंट बनेगा क्योंकि हर एक स्लॉट से 100% पेमेंट आपको मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं कि फोर्स क्लासिक के अंदर ऑटो अपडेट करने का ऑप्शन रहता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप 12 स्लॉट एक साथ खरीदते हो तो अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। जिस भी स्लॉट से इनकम बनेगा वो 100% आपको मिलता रहेगा और नहीं तो यहाँ पर एक ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन रहता है जिसे अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका हर नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपडेट होता चला जाएगा। आपके S6 के स्लॉट से 4th और 5th ज्वाइनिंग के पैसों से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपडेट होगा और S3 स्लॉट के पहले और दूसरे ज्वाइनिंग से मिलने वाली इनकम से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होगा। ये ऑटो अपग्रेड की प्रक्रिया इसी तरीके से हर स्लॉट पर अप्लाई होगी और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम लगातार बार बार हर स्लॉट से इनकम आती रहेगी। एक स्लॉट से एक बार ही अपग्रेडेशन के लिए पैसा जाता है और अगर आप कहीं पर भी ऑटो प्रेडिक्शन को ऑफ करके रखते हैं तो आपके हाईएस्ट लेवल जैसे कि अगर आप लेवल 5 पर हैं तो आपका 75% पेमेंट आपको मिल जाएगा और 25% पेमेंट प्रोडक्शन फंड में चला जाएगा। आप समझते हैं प्रोडक्ट फंड क्या है? यहाँ पर नंबर 1 आईडी पे रेफर हुआ हर लेवल के हर साइकिल के 3 आईडी का पेमेंट प्रोडक्ट फंड में जाएगा और फिर ऑटो अपग्रेड ऑफ करके रखने पर कटने वाले 25% का पेमेंट भी प्रोडक्ट फंड में ही जाएंगे। तो दोस्तों ये था फोर्स क्लासिक का पूरा बिजनेस प्लान जो सही टाइम पर ट्रेंड और टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरा बिजनेस प्लान समझ में आ गया होगा। तो आपसे अलविदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।